हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाले हैं चीडियार इफेक्ट आप लोग वीडियो में कैसे डाल सकते हो तो कुछ नए अंदाज में आज आप लोग को बताएंगे बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए फ्रेंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो गाइज सबसे पहले क्या करना है आप लोग को इलाइट मोशन अप्लीकेशन डाउनलोड करने ला होगा प्ले स्टोर से आप लोग को आसानी से मिल जाएगा तो क्या करना है इसको ओपन कर लेना है अपना नेट ऑन रखिएगा क्योंकि ये नेट ऑन रहेगा तभी ये शो करेगा एंड काम करेगा तो क्या करना है आप लोग को प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नाइन पॉइंट रख लेना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है गाइस तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है मीडिया पे चले जाना है वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना होगा जो आप लोग इफेक्ट डालना चाहते हो तो देख सकते हो आप लोग इस वीडियो में कहीं भी इफेक्ट आप नहीं लगाए फ्रेंड कहीं पर भी इफेक्ट नहीं लगाए आप लोग देख सकते हो पूरा अच्छे से तो इसी वीडियो पे आज आप लोग को बताने वाले हैं एंड लगा के दिखाने वाले हैं गाइस तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को इस वीडियो का कलर हम लोग चेंज ही करेंगे ठीक है तो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है एड इफेक्ट पर जाना है चैनल रैम आर जी बी यहाँ पे सर्च कर लेना है ठीक है इतना करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको रख लेना है ठीक है ये बी पे है इसको वाई पे करना है गाइस इस ठीक है इतना करने के बाद पूरा बैक चले जाना है वीडियो पे क्लिक करेंगे तो पूरा बैक हो जाएगा तो क्या करना है आप लोग को प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है मीडिया के नीचे सेव दिखाई दे रहा ना गाइस इस पर क्लिक करना है ठीक है कलर एंड फाइल पर जाना है यहाँ से आप लोग को हरा कलर सेलेक्ट कर लेना है और क्या करना है पूरे वीडियो में लगा लेना है ब्लेंडिंग ओपेसिटी पर जाना है एंड क्या करना है डिफ्रेल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तीसरे नंबर पे सेलेक्ट कर देना होगा गाइस तो क्या करना है आप लोग को बैक जाना है बैक जाने के बाद क्या करना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है एड इफेक्ट पे आना है आप लोग को यहाँ से सर्च कर लेना होगा आप लोग को यहाँ से सर्च कर लेना होगा कॉपी बैकग्राउंड तो चलिए सर्च करते हैं कॉपी बैकग्राउंड ठीक है स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको रख लेना है एंड अब क्या करना है आप लोग को इफेक्ट पे जाना है यहां से आप लोग को सर्च करना है गसियन ब्लर इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख लेना है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ से आप लोग को सर्च करना है एक्सपोजर गामा इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख लेना है गाइस ठीक है इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को देख सकते हो वीडियो में पूरा ब्लैक है गाइस तो इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा एक्सपोजर वाले गामा पे क्लिक कर देना होगा इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को इसको बढ़ा देना है लाइट को हल्का सा बढ़ा देना है एंड आप लोग को क्या करना है जीरो पॉइंट अड़सठ पे कर देना है और इसको भी हल्का सा आप लोग को बढ़ा ही लेना है गाइस ठीक है तो नौ जीरो पॉइंट नौ सौ सत्तर पे एंड इसको भी हल्का सा बढ़ा देना है गाइस ठीक है तो इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को पूरा बैक चले जाना है इस पे क्लिक करेंगे ना वीडियो पे तो पूरा बैक चले जाएंगे अब क्या करना है आप लोग को प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है मीडिया के नीचे जो सेप दिखाई दे रहा है ना इस पर क्लिक कर देना है आप लोग को कलर एंड फाइल पे जाना है सफेद कलर सेलेक्ट कर लेना होगा गाइस और वीडियो में पूरा लगा देना है ठीक है इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को ब्लैंडिंग ओपेसिटी का ऑप्शन यहाँ पे है ना इस पर क्लिक कर देना है ठीक है इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है यहाँ पे लाइटिंग के ऑप्शन पे कंट्रास्ट है इस पर क्लिक करना है और पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ठीक है अगर आपके वीडियो में लाइट कम होता है तो यहाँ से आप लोग कम और तेज कर सकते हो ठीक है गाइज तो चलिए मैं इतना हल्का सा कर लेता हूँ नब्बे पे एंड वीडियो आप लोग को चला के दिखाता हूँ ठीक है इतना करने के बाद क्या करना है ये फिल्टर अभी आपके पूरे वीडियो पे नहीं लगा है तो आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर ठीक है गाइस तो वीडियो के लास्ट में चले जाना है ठीक है लास्ट में जाने के बाद क्या करना है आप लोग को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड ऐसा सेप दिखेगा इसको ऑन कर देना है ठीक है दोनों पे ऐसे क्लिक करके ऑन कर देंगे तो आपके वीडियो में लग जाएगा इफेक्ट देख सकते हैं बहुत ही औसम एंड बहुत ही खतरनाक लग रहा है गाइस ठीक है तो चलिए वीडियो को पूरा आप लोग को स्टार्ट करके दिखाते हैं कितना औसम लग रहा है वीडियो तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को बताएं गाइस एच इफेक्ट कैसे लगा सकते हो अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो मैं दोबारा से वीडियो ला दूँगा इस टॉक पर तो क्या करना है वीडियो सेव करने के लिए आप लोग को जो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा ना इसके बगल में क्लिक करना है एंड आप लोग को वीडियो सेलेक्ट कर लेना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड